आप अभी मेडन स्पीच लेना चाहती हैं या बाद में लेना चाहती हैं? और इसको 4 मिनट, ये आप मेडन स्पीच होगा जी जी जी, सो यू विल हैव अबाउट 15 मिनट्स। सम्मानीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल के ऊपर बोलने का मौका दिया, इसीलिए धन्यवाद करती हूँ। मेडिकल टर्मिनेशन और प्रेगनेंसी संशोधन बिल 2020 द्वारा 1971 का मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी में संशोधन किया जा सकेगा। अध्यक्ष महोदय, महिला के सुरक्षित गर्भपात के लिहाज से ये समय की ज़रूरत है। इस बिल का उद्देश्य महिला को सुरक्षित गर्भपात जरूरत है, महिला की सेवाओं वृद्धि कराना तथा असुरक्षित गर्भपात का कारण मातृमृत्यु हार और असुस्थता एवं उनकी जटिलता की में कमी लाना है। गर्भपात की मंजूरी केवल असाधारण परिस्थितियों में के लिए है तथा इसके लिए पूरी सावधानी रखी गई है। इस बिल महिलाओं की गरिमा, आत्मसम्मान तथा उसके बारे में गोपनीयता प्रदान करने वाला है। बिल में गर्भावस्था के 20 सप्ताह तक गर्भपात कराने के लिए एक चिकित्सक की राय लेना का प्रस्ताव किया गया है। गर्भपात के 20 से 24 सप्ताह तक गर्भपात करने के लिए 2 चिकित्सक की राय लेना जरूरी होगा। जिस महिला को गर्भपात कराया जाना है उसका नाम और अन्य जानकारियां उस समय के कानून के तहत निर्धारित किसी खास व्यक्ति के अलावा किसी और के सामने जाहिर नहीं किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के सामने कुछ सुझाव रखना चाहती हूँ। 24 सप्ताह के भ्रूण का अवर्षण एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी है और हमारा देश में ग्रामांचल एरिया में स्वास्थ्य सेवा की व्यवस्था इतनी पर्याप्त नहीं है कि इसका आसानी से हैंडल किया जा सके। 24 सप्ताह के अवर्षण एक रिस्क फैक्टर है, इसका कैसे हैंडल किया जाए ये एक गंभीर महत्वपूर्ण विषय है। पूरे भारत में डॉक्टर्स की कमी है और गाइनिंग डॉक्टर्स की ग्रामांचल एरिया में कम है, इसीलिए ग्रामांचल में ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स की पोस्टिंग किया जाए। गर्भपात के बारे में और इस बिल के बारे में पंचायत स्तर में विभिन्न गांव में महिला को व्यापक रूप में सचेतन कराना जाए। गांव में छोटे छोटे पंचायत स्तरों में मेडिकल और स्वास्थ्य सेवा फैसिलिटी को और पर्याप्त किया जा चाहिए। महिला के आत्मसम्मान अत्यंत महत्वपूर्ण है। रूरल एरिया में आशाकर्मी और को सटीक प्रशिक्षण दिया जाए ताकि गांव में लड़कियां और महिला के बीच में अवेयरनेस ला सके। इस बिल को समर्थन करते वक्त मैं सरकार से दावा पेश करती हूं कि क्लिनिकल प्रैक्टिस से देश का सभी स्वास्थ्य अनुष्ठान में अवर्षण प्रोसीजर के समय प्रोटोकॉल मेंटेन्स किया जाए। इसको वायलेट करने वालों को खिलाफ सख्त कार्रवाई करना जरूरी है। धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू ऑनरेबल मेंबर।